हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन सा आप। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ स्प्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में, मतलब ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। और इसमें देखेंगे कि जो हम स्प्रेड बनाते हैं, डेबिट स्प्रेड बनाते हैं या फिर रेशियो बैक स्प्रेड बनाते हैं, इसमें से हमें कौन सा ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और इसको कब कब हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि हमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि देखिए, ये जितनी भी स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसमें काफ़ी लेग उसमें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें कुछ कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कैपिटल हमें लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बढ़िया रहेगी और इसके हिसाब से हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ये सेटअप यूज़ करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि जो भी स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब मैं स्प्रेड स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, ओके, स्प्रेड, ऑलराइट, तो यहाँ पर जब मैं स्प्रेड की बात करता हूँ तो मोस्टली आप देखोगे स्प्रेड का मतलब यही होता है कि आप जो दो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं उनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, वो हमें रुपीस में पता चलता है। ठीक है, अभी ये है कि यहाँ पर डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड, इस तरीके का आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा। ठीक है, अभी क्रेडिट मतलब क्या है, जितना जो हमको मिला है, डेबिट मतलब जो हमको देना है, जो हमने सामने से दिया है, मतलब जब तक वो जीरो नहीं होता तब तक वहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं दिखेगा, जब तक वो पूरा नेगेटिव में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत क्यों है, पहले मैं वो देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ में आप पोजिशनल ट्रेड भी कर रहे हो। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड भी कर रहे हो। सो इंट्राडे में आप देखोगे कि जो अलग अलग टाइम फ्रेम के दरमियान हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक मिनट हो गया, दो मिनट हो गया, तीन मिनट हो गया, पाँच मिनट हो गया, कोई कोई पंद्रह मिनट में भी जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो अलग अलग टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्कैल्पर्स होते हैं, ठीक है, स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्कैल्पर सिर्फ बाइंग की तरफ ही हो सकता है। स्कैल्पिंग में आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते, बिकॉज जो उसमें हमें दो तीन लेग उसमें ऐड करने पड़ते हैं, वो एग्जिट करते करते टाइम निकल जाता है। ठीक है, और हमें उसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो स्कैल्पर्स जो हैं वो स्ट्रैटेजी नहीं लगाते, लेकिन इंट्राडे में जो बिग टारगेट के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है, बिग टारगेट के लिए बैठे रहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी काम आती है। ठीक है, और सिमिलरली पोजिशनल ट्रेडिंग भी जो करते हैं वो लोग भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे पोजिशनल का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, मतलब 5 दिन 10 दिन, ठीक है, या मंथली मैंने उसको होल्ड किया है। ठीक है, मंथली मैंने होल्ड किया है। और यहाँ पर भी जब मैं बिग टारगेट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर 1:2, 1:3 या 1:4 का मैं रेशो अगर मैं लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रैटेजी को लगा के अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर आप देखोगे कि जो ये इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी ट्रेडिंग ये लोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है टाइम डीके। टाइम डीके और इसमें डेल्टा भी आता है। ठीक है, ऑलराइट, टाइम डीके देखो जो थीटा का फैक्टर होता है यहां पर हम ये कहेंगे। ठीक है, अभी डेल्टा आप देखोगे कहीं 0.1, 0.6, कहीं पर 0.3, 0.4 भी होता है। ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब मैं टाइम डीके की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडाइसिस का अगर मैंने ऑप्शन बाय किया, ठीक है, तो आप देखोगे जो उसका प्राइस आज जो है, ठीक है, कल परसों या फिर दो तीन दिन बाद क्या उसका प्राइस सेम रहेगा, ये डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कोई कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है। ऑलराइट, सो ये वीडियो खासकर उनके लिए जो नेकेड कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो अगर वो हेज करके जाना चाहते हैं तो किस तरीके से हेज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन बाय किया जिसकी प्राइस है 200 और आपने कुछ 500 क्वांटिटी बाय किया है। ठीक है, तो आपका कितना कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है, 1 लाख, राइट, 1 लाख इसमें कैपिटल इन्वॉल्व है। खैर सॉरी, इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है,
बीइंग प्रैक्टिकल इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 500 का लॉट है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकूँगा कि मान लीजिए 30 का उसका प्राइस है, ठीक है, 30 प्राइस है। तो यहाँ पे कितना आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 15,000, राइट, 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है। अभी इसी में अगर आपने कुछ 3 लॉट ले लिए, 1500 ले लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 45,000 रुपये इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अभी ये जो 45,000 रुपये हैं, ये पूरे के पूरे तरीके से रिक्स पर है, पूरे के पूरे तरीके से रिक्स पर है कि अगर कल जिस स्टॉक में आपने बाई किया या इंडाइसेस में आपने बाई किया है, अगर ये ऑप्शन ऊपर की ओर नहीं जाता, मतलब जो अंडरलाइंग एसेट है वो अगर ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि कॉल तो हम तभी बाय करेंगे ना जब हमारा व्यू ये रहेगा कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन है, अगर मान लीजिए ये OTM या ATM है, जब तक ये ITM नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, ATM हो या OTM हो, ठीक है। OTM में आप देखोगे एक्सपायरी तक जाते जाते वो जीरो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, 45,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरे रिस्क पर है। अगर वो स्टॉक ऊपर की साइड डायरेक्शन में नहीं जाता है तो वहाँ पर मेरा लॉस जाहिर है, ठीक है, जरूर तरीके से वहाँ पर मैं कहूँगा कि पूरे तरीके से मेरा लॉस होगा। अभी ये होता है कि मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग ली है, ठीक है, तो मुझे इसको हेज करना है, बिकॉज मार्केट, हाँ मार्केट आप देखोगे ज़्यादातर अनसर्टेन रहता है कि यहाँ से कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो मुझे ये पूरा का पूरा 45,000 लॉस ना हो, इसके लिए मैं हेज करता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई कॉल ऑप्शन ATM पे मैंने बाय किया है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में या तो मैं पुट ऑप्शन को बाय करूँगा या तो एक दूसरे कॉल ऑप्शन को मैं सेल करूँगा, ठीक है, दूसरे ऑप्शन को सेल करूँगा। तो इससे क्या होता है, हेज होता है। अभी देखिए हेज कैसे होगा, ये अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका जो टाइम डीके है वो चलता रहेगा, ठीक है, 30 है, मान लीजिए 32-33, ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए 35 रुपये गया तो फिर भी आप प्रॉफिट में हो, आपका 5 रुपये ऊपर प्रॉफिट है, मतलब आप ये देखोगे कि 7,500 रुपये आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो ये वापस आपके बाइंग पे आ जाएगा, तो जो 35 रुपये था वो 30 रुपये पे आ जाएगा, तो यहाँ नुकसान होता है। तो अगर मैंने कोई ऊपर कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया ऊपर की ओर, तो उसका जो टाइम डीके है उसके वजह से मुझे फायदा होगा, ठीक है। देखिए ये 30 रुपये है, मान लीजिए जो ऊपर का कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू 20 रुपये है, ठीक है, ये बढ़ के, ये मैंने सेल किया है, ठीक है, तो ये बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 222 हो जाएगा, ये बढ़ के मान लीजिए 35 हो जाएगा, क्योंकि इसका डेल्टा ज़्यादा है, ये OTM है, इसका डेल्टा कम है, ठीक है। अगर वो वापस से नीचे आता है तो मान लीजिए ये बाइंग पे आ गया, 31 के आसपास आ गया, ये जो है ये 20-22 रुपये जो इसका चल रहा था, 20 रुपये, ये गिर के आप देखोगे कि कई बार ये 18-19 पे आ जाएगा, क्योंकि OTM है, OTM पे थीटा बहुत ज़ोरदार काम करता है, ये बहुत ज़ोरदार काम करता है, ठीक है। OTM पे आप देखोगे कि टाइम डी के बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है, उसका डेल्टा भी कम होता है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर 0.3 ऐसा कुछ बताया, डेल्टा भी कम होता है, तो जितना बढ़ता है उसे कई ज़्यादा गिरने की फिराक में रहता है। तो वो जो टाइम डीके है 20 रुपये से नीचे गिर के 18 रुपये पर हो गया, तो अगर मैंने सेम लॉट वहाँ पर अगर मैंने बेचा है तो आप ये देखिए कि वहाँ मुझे 3,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा, क्योंकि मैंने सेल किया है, और यहाँ पर 1 रुपये ऊपर बढ़ा, मतलब 1,500 रुपये का फ़ायदा है, तो ऑन एन एवरेज मेरा 4,500 रुपये का ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये होता है आपका हेजिंग, ठीक है। इससे होता क्या है कि अगर मैंने किस पर्टिकुलर स्टॉक को लंबे होराइजन के लिए अगर मैंने बाय किया हुआ है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि ये जो मेरा 45,000 का इन्वेस्टमेंट है ये मेरा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर ये स्ट्रेटजी मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इससे कई ज़्यादा कैपिटल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जगह ऑप्शन सेलिंग भी आ रही है, ठीक है। आप कोई भी हेजिंग स्ट्रैटेजी लोगे, कोई भी स्प्रेड स्ट्रैटेजी लेते हो, उसमें कॉल या पुट को सेल करना होता है उसको हेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें स्प्रेड जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये देखा, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा जो लॉस है उसको डिफाइन कर देता है, ठीक है। लॉस को डिफाइन कैसे करेगा कि अगर मेरा जो ऑप्शन था 30 रुपये का और ये 20 रुपये का, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर 30 रुपये का मेरा एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन 20 रुपये का था, एक्सपायरी के दिन मान लीजिए ये
कॉल ऊपर गया ही नहीं, कॉल ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो होगा क्या, ये मैंने बाय किया था, ठीक है, ये मैंने बाय किया था, तो मेरा जो 45,000 का इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा जीरो, राइट, वो हो जाएगा जीरो। अभी यहां पर मैंने सेल किया था तो यहां मेरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। ये आप देखोगे 30,000 मुझे मिला था क्योंकि मैंने यहां पर सेल किया है, ये मैंने सेल किया है, तो ये 30,000 रुपये पूरा मुझे मिला। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे 15,000 रुपये का ही नुकसान है। तो इन शॉर्ट मुझे यहां पर अगर सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि लॉस होगा तो वो मेरा 15,000 ही होगा। इसलिए लोग स्प्रेड स्ट्रेटजी बना कर जाते हैं क्योंकि वहां पर उनका लॉस डिफाइन है, जो मैंने आपको कहा कि लॉस आपका डिफाइन हो जाता है कि आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें जितने भी ऑप्शन गिग्स काम करते हैं वो इसको लॉस होने नहीं देंगे, ठीक है, वो इतना ज्यादा लॉस होने नहीं देंगे। अभी देखिए, अगर मैंने यहां पर नेकेड ऑप्शन बाय किया होता, ठीक है, जो मैंने कहा कि यहां पर मैंने 3 लॉट बाय किया, तो आप देखो मेरा पूरा 45,000 का नुकसान हो गया होता, 45,000 पूरा माइनस। लेकिन यहां पे जो मैंने इसको सेल किया मुझे इतना मिला, तो यहां पर मेरा 15,000 का ही नुकसान है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो हेज मैंने किया उसके वजह से मैं पूरा 45,000 गंवाने से मैं बच गया, ठीक है। अभी चलते हैं, ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी आपको कहां मिलेगी, ठीक है। तो आप कौन सा भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो यहां पर आप ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग में जाके आप स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाएंगे, ऑप्शन आर्किटेक्ट, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे कहा था कि बुलिश वाला अगर मेरा ट्रेड है, तो बुलिश वाला लगाया और निफ्टी मेरा ट्रेड है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि डेबिट वाला, तो डेबिट वाले में आपको बुल कॉल स्प्रेड आएगा और जो रेशो बैक स्प्रेड है वो यहां पर आपको ये रहा, कॉल रेशो बैक स्प्रेड, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जाऊं तो कॉल रेशो बैक स्प्रेड जो है वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा एज कंपेयर टू बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें होता ही है कि आप एक एटीएम का कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, ठीक है, और सिमिलरली वहां पर ओटीएम का जो एक कॉल ऑप्शन है आप उसको सेल करते हो, ठीक है, जो मैंने आपको अभी पीछे ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें एक ऑप्शन को बाय करोगे, एक ऑप्शन को सेल करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे 3 लॉट लेना है, यहाँ पर मैं 2 से करूँगा, तो इससे क्या है, आप 1-2 यहाँ पर क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसके वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ऊपर मैंने बाय वाले में मैंने 3 लॉट ऐड कर दिए और सेलिंग वाले में मैंने 2 ही लॉट ऐड किए, ठीक है, हम उसको बराबर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख के चेक कर सकते हो कि मुझे किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, 25,900, ठीक है, करंट प्राइस अगर मैं देखूँ तो 25,940 चल रहा है, ठीक है, तो 25,940 से अगर ये बढ़ के 26,125 जाता तो देख सकते हो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 3,000 हो रहा है, फिर मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 5,996 हो रहा है, 8,500, 10,000, 13,000 इस तरीके का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हो एक्सपायरी के दिन का भी यहाँ पर मुझे प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है, एक्सपायरी के दिन मुझे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके। अभी यहीं पर आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पर है 3,380, ठीक है। तो अगर मैं ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने पे मुझे मैक्सिमम लॉस आएगा 3,380, मतलब 3,400 के आसपास मेरा लॉस है। और वहीं पर अगर मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे कि मेरा व्यू बुलिश है, तो यहाँ से अगर 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है तो मुझे 8,000-9,000 का फायदा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि आपको ईजिली यहाँ पे 1:2 या 1:3 का रेशो मिल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका डेबिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो डेबिट स्ट्रैटेजी में जैसे हमने कहा कि आप क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को आप बेचेंगे और एक कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे, तो एटीएम वाला जो कॉल ऑप्शन होता है उसको हम खरीदते हैं और ओटीएम के कॉल ऑप्शन को हम सेल करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। अभी चलिए हम दूसरे स्ट्रैटेजी पर जाते हैं, ठीक है, जो हम रेशियो बैक स्प्रेड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सेलेक्ट स्ट्रैटेजी में जाइए और सेम सेलेक्ट करिए बुलिश। तो बुलिश में आप देखिए कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अभी इसमें थोड़ा क्वांटिटी आपकी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी सेम है कि मैंने एक एटीएम का कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया है, ठीक है। एटीएम का कॉल ऑप्शन स्लाइटली थोड़ा सा ओटीएम है क्योंकि 25,940 चल रहा है, तो हम 26,000 का कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, ठीक है।
तो 26,000 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, यहाँ पर दो लॉट मैंने बाय किया, ठीक है। और वहीं पर मैंने सामने इसको हेज करने के लिए एक, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एटीएम का जो ऑप्शन है उसको मैंने सेल किया, ठीक है, थोड़ा सा ओटीएम है, ठीक है, वहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक एटीएम का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने सेल किया, सिर्फ एक लॉट सेल किया है, जिसका प्राइस अभी 92 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और जो बाय किया उसका प्राइस चल रहा है 67.55। तो इसमें आप पे ऑफ देख सकते हो, ठीक है, कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पर मुझे 1146 चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये निफ्टी जो है ये ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाता है, ठीक है, अभी नीचे कितना जाता है, यहाँ पर मान लीजिए 25,525 भी चला जाता है तो भी जो मेरा लॉस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना है, 1146। तो मैक्सिमम लॉस मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1146, और मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो 1119, ठीक है, 1119, और प्रॉफिट आप देख सकते हो कि अगर आगे आगे जितना बढ़ता है मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने इसको, मेरा स्टॉप लॉस मैंने 25,825 या 25,725 पे लगाया था तो भी मेरा लॉस 1119 के आसपास ही है, ठीक है, 1146-1119 ऐसा मुझे दिख रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे प्रॉफिट आपको बढ़ता जा रहा है, ये आपको जो लॉसेस है वो प्राइस के हिसाब से दिखता है कि प्राइस आपने कौन से प्राइस पर बाई किया है, ठीक है, वो जैसे चेंज होता है तो आपको यहाँ पर भी जो प्रॉफिट एंड लॉस वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस हमें मेंशन करना पड़ता है कि कौन से प्राइस पर हमने बाय किया है, तो यहाँ जो एंट्री प्राइस है वो चेंज होगा तो आपको यहाँ पर जो लॉस है प्रॉफिट वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे एंट्री प्राइस पहले डिफरेंट थी इसलिए यहाँ पर लॉसेस मुझे 1146 दिखा रहा था, राइट नाउ एंट्री प्राइस चेंज हो गई तो 1119 दिखा रहा था, ठीक है। तो देख सकते हो कि मुझे किस में अच्छा रेशो मिल रहा है, ठीक है, दोनों में हम देख सकते हैं कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन जो कॉल रेशो बैक स्प्रेड है इसमें मुझे रेशो बहुत अच्छा मिल रहा है, 1:2, 1:3 ईजिली मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये था डेबिट स्प्रेड और कॉल रेशो बैक स्प्रेड की स्ट्रैटेजी। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।